अभी नाले क्या हम लोग साफ कर रहा हूँ। हाँ समस्या है, पानी उन्हें पीने का समस्या है, लेकिन नल वल फट गया है पूरा सामने से। वो तो भूगेल न आलू छिल के जाएगा। कोई लैट्रिन जाने के लिए सुविधा नहीं है, शौचालय नहीं है। कब टूटा है ये घर? ये बुधवार को टूटा। बुधवार के दिन रात को? नहीं नहीं, दिन में टूटा। हाँ मैं तो यही थी, सोई थी। लाइट गोल हो जाते तो फोन लगाते तो नहीं आते हैं। रात बिकाल सांप बिच्छू बच्चे लोग का डर है। लैट्रिन जाने के लिए बहुत तकलीफ बेटा, ये मोहल्ला में पानी भर जाता है। अरे हमारा कमल फूल राजा बन जाएगा। वोकल टीवी जनमुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। अभी मैं मौजूद हूँ रायपुर के मांझीपारा वार्ड क्रमांक 6 में और आप देख सकते हैं कि बारिश थोड़ा सा नहीं हुआ है और जल इतना भरा हो गया है कि लोगों का आने जाने में इतना समस्या है कि हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते और हमारे यहाँ शौचालय भी उपलब्ध नहीं है। तो आइए हम लोग सीधे लोगों से बात करते हैं और उनकी समस्याओं को सीधा जानते हैं कि क्या क्या उन लोगों की मुख्य समस्या है। क्या क्या समस्या है दीदी यहाँ? नमस्ते। वही तो हमारा मोहल्ला में चलने के लिए देखो पानी पानी में है। कोई लैट्रिन जाने के लिए सुविधा नहीं है, शौचालय नहीं है। हमारा नल लगन भी फट गया है, वो कोई आ नहीं रहे हैं। पार्षद थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। पार्षद अभी तक एक बार भी नहीं आए? नहीं आते हैं नहीं बोल के नहीं, वो भी पद में है, उनको भी इंसर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वो बोल रहे हैं करी करता आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उनका, है ना। जैसे लाइट के लिए भी आते हैं जाते हैं, तो अभी थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं उतना। कितने दिनों से रह रहे हो दीदी यहाँ आप? हो गया हमको तो, हो गया 40-50 तो नहीं हुआ है यहाँ आने के लिए, यही मोहल्ला में भाई। पहले थे आरएसडी में थे, हाँ जैसे 45 साल तक ले हो गया। 45 साल से लगातार पानी की समस्या यहाँ, जल भराव होता ही है। अभी तक कोई पार्षद या कोई मतलब इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अभी रेल बना है, नया रेल तो देखो, थोड़ा सा रेल बना, थोड़ा सा रोड बना, फिर दीवार दिए हैं, फिर थोड़ा सा नाला छोड़ दिए हैं उधर, यहीं का नाला छोड़ दिए हैं, इधर नहीं किए हैं नाला। फिर वो इंजीनियर लोगों ने थोड़ा सा किए, थोड़ा सा छोड़ दिए हैं, हाँ सब वैसे पड़ा है। पानी मिलती है प्रॉपर जी? और क्या क्या समस्या है? बस उतना पीने का पानी भी है, नहाने का पानी भी है, उतना है कि थोड़ा गंदा है, गंदा आता है पानी ऊपर से त्रिमूर्ति नगर से, जो भी गंदगी हमारा मोहल्ला में आ जाता है पूरा आंगन में भरता है। पार्षद से आप इसका शिकायत नहीं किए? नहीं करते हैं तो, करते हैं तो उन लोगों ने भेजते हैं तो वो पुलिया को साफ करते हैं, और बड़ा पुलिया है ना तो वहाँ साफ करते हैं। साफ सफाई प्रॉपर डेली होती है? डेली नहीं होता है, जैसा कि ज़्यादा बड़ा बाढ़ आने से वो भेजते हैं तो आते हैं। क्या क्या समस्या है दीदी यहाँ? क्या है वो चिखला उखला देखो सब भर रहा है नाली में, रोड भी इतना भर था, और नाली भी साफ नहीं करते, नाली भी साफ नहीं करते। झाड़ू वाले आते हैं, झाड़ू भी नहीं लगाते हैं, खाली कचरा वाले आते तो कचरा उठा के ले जाते हैं, और कुछ नहीं। रोड बनाना चाहिए, नाली बनाना चाहिए, कुछ नहीं बना है। कहाँ आप अपने समस्या को पार्षद को बताए हो? पार्षद का बताने से पार्षद नहीं सुन रहा है, बस अभी नल उल कर दिए हैं, लाइट उठ का भर के दिए है। हाँ। नल का बस दिए हैं, हाँ। उधर बता रहे हैं नल का भी समस्या है, पाइप वाइप फूट गया करके। इधर ऐसे सामने दो तीन जगह में फूटा है ऐसे नल कारण से। और क्या क्या जो सरकार की योजना उसका लाभ ले रहे हो? ले रहे हो दीदी सरकार की योजना का लाभ? क्या योजना का लाभ लेंगे, सब ठीक है, बस हम लोग को रोड का परेशानी है। बिजली बिजली मिल रही है प्रॉपर? वो सब ठीक है। राशन वगैरह? राशन बस हम लोग को रोड का परेशानी है। रोड का परेशानी है। आप रोड के लिए बात की हो पार्षद से, क्या आश्वासन दिए? बोले तो हैं कब करेंगे पता नहीं, बस बनाएंगे बोल रहे हैं। कितने दिन से आप यहाँ रह रहे हो? बहुत साल हो गया, कितना हो गया, 35 साल हो गया, उससे ज़्यादा होगा। जैसे बच्चे लोग पढ़ाई वढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं तो ऐसी जो समस्या है पानी वानी भराव है, इसी में जाते हैं? इसी में जाते हैं भी, यार कहाँ जाएंगे बताओ, पानी भरे रहने से भी। किसी का गाड़ी रहेगा पार कर देंगे, किसी का ठेला रहने से पार कर देते हैं। क्या समस्या है दीदी बताओ? यही मेरा घर के, घर आपका मैं देख रहा हूँ, घर आपका टूट गया है। हाँ। तो आप इसे टूटे हो, टूटा है तो बताए किसी को?
बताई थी ना वो जो पार्षद का साथ जाता है उसको, तो बोला था मैं बताऊंगा बोल के ऐसी फ़ोटो खींच के भी भेज दिए हैं उसको, वो वीडियो कॉलिंग करके भेजे थे, हाँ मैं कर दूंगा बोला है। कितने कब टूटा है ये घर? ये बुधवार को टूटा, बुधवार के रात को? नहीं नहीं दिन में टूटा, हाँ मैं तो यहीं थी सोई थी। हाँ जैसे दीदी आप सोए थे, बाय द वे कहीं दुर्घटना हो जाता तो इसका आप बताया? टूट गया ना वो खटिया भी टूट गया, बाकी थोड़ा बहुत सामान भी टूट गया, तो सब थोड़ी रख के फोटो खींचते रहूँगी मैं, सबको ये बल्ली उल्ली लगाए हैं, इसको टेकाऊ का लगाई मैं, लड़का को तुरंत बुलाई मैं काम से और करवाई हूँ, अब एक दीवार गिरने का उसी का डर है मेरे को बस। बताया हूँ पार्षद को की समस्या हो गया करके? पार्षद का साथ वाला को बताई हूँ, पार्षद को नहीं बताई हूँ। पार्षद से आपका बात नहीं हुआ? पार्षद से बात नहीं होता है। क्या बोले वो? दूसरा बोलता है लेर भाई का जगह में रहते हो तो कैसी बनाएंगे, तुम लोगों को नहीं रहना चाहिए वहाँ, पानी भरने का जरूरी है वहाँ, ऐसी बोलता है। हम लोग यहाँ 30-35 साल हो गया लेकिन पानी उनी कुछ नहीं भरता था, ये 5-10 साल से पानी भर रहा है, 10 साल से पानी भर रहा है, बाकी टाइम से नहीं भर रहा था, बहुत अच्छा रहते थे हम लोग, वो रोड है ना उसी का बराबर हमारा घर था। तो जल भरा होता है तो वो अब बोले किसी से बात की हो कि जल भरा? बोलते हैं ना वो, बोलते हैं लेरवाही का जगह है तो कैसी बनाएंगे बोलते हैं, तो गरीब इंसान को तो पैसा नहीं रहता है ना उतना पैसा, किसी के पास रहेगा किसी के पास नहीं भी रहेगा तो कहाँ से लेगा घर, इसलिए अभी बोल रहे थे उन लोग घर लेने के लिए, तो हम लोगों के पास पैसा नहीं था तो हम लोग कहाँ से लेंगे, इसलिए नहीं लिए। बात इस समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा बोले? अब पता नहीं उन लोगों का मर्जी, उन लोगों का ऊपर है ना। ये घर टूटा है तो घर जब टूटता है ना तो उसके लिए पैसा भी मिलता है आपको? हाँ, कुछ बताया? एक बार टूटा था तो 3,000 रुपये दिए थे, और एक बार भी टूटा था 3,000 रुपये दिए थे, काहे के लिए झूठ बोलना सा अच्छी बात नहीं है, 3,000 मेरे को दिए थे। हमारा छपरी पूरा गिर गया था और ये घर पूरा पटिंग हो गया था, तब मैं मेरा लड़का एक छोटा सा था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब था तो मैं लड़का लेके गया था, उधर बहुत दूर में गए थे उन लोग, तो 3,000 रुपये दिए थे, पूरा बस्ती वाले को दिए थे 3,000। हाँ दादाजी क्या क्या समस्या है यहाँ? बस ये रोड का समस्या है, हाँ पानी का समस्या नहीं है, पानी तो ढेर नाला में जब बहता है। बिजली विजली प्रॉपर मिल रही है? हाँ बिजली उजली। राशन वगैरह? राशन भी मिलता है, कृपया ये पानी भरता है वही कारण। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, हाँ। तो क्या कांग्रेस सरकार फिर से लाना चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं इसमें? परिवर्तन क्या करेगा, वो काम करेगा, रोड गिर बनाएगा था। अच्छा दादा आपको पेंशन मिल रहा है? पेंशन हो मिल रहा है, 350 मिलता है, हाँ। लाभ ले रहे हैं? हाँ, सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं आप? हाँ, हाँ। अब जमीन वमीन है कि नहीं? जमीन नहीं है। तो जमीन भूमिहीन को 6,000 रुपये सरकार दे रहे हैं उसका लाभ लेते हैं कि नहीं? नहीं दे रहा है ना छे। नहीं ले रहे हैं? नहीं। फॉर्म वॉर्म डाले थे? नहीं। जानकारी है? नहीं जानकारी नहीं। इससे पहले आप पार्षद से बात की हो इस मुद्दे में, मतलब जिसके पास जमीन नहीं है उसको पैसा दे रहे हैं करके? नहीं नहीं किए हो। आवास मिला है? आवास? हाँ आवास आवास हाँ। मिला है? हाँ। घर वर बन गया है बढ़िया से? हाँ वो उधर मिला है गाँव में। कहाँ मिला आपको? तो आपका गाँव से मिला। तो अभी अभी छत्तीसगढ़ में किसको चुनोगे, रमन सरकार को या भूपेश को? अभी, हाँ। अभी पता नहीं अभी। फिर भी किसको चुनोगे, किसका काम अच्छा है? वो तो मेरे ख्याल से कमल छाप वाले का काम अच्छा लगता था, कमल छाप का। अभी 5 साल में जो भूपेश सरकार की है कांग्रेस सरकार वो ठीक नहीं है। पानी घुस जा रहा है घर में, कितना बीमार सेमार हो जा रहा है, तबियत खराब हो जा रहा है, कोई के अच्छा नहीं लग रहा है, कोई दिन कैसी लग रहा है। ये समस्या जो है पानी का उसको आप पार्षद को बताए हो? ओ बताया तो इसको ठीक से बना दूंगा बोल रहा है। और अभी तक नहीं बनाया है? नहीं बनाया है। क्यों नहीं बना रहे, कुछ बात किए हो? बात तक क्या है तो क्या पता बनाए तो बोल रहा है। तबीयत वबीयत खराब होता है तो प्रॉपर इलाज के लिए ले जाते हैं कि नहीं? यूनिट जो मोबाइल वाला जो गाड़ी होता है कॉल करके बुलाते हो आता है कि नहीं? कॉल किए हो? आता है। हाँ ठीक से उसका लाभ मिल रहा है ना? हाँ दादा यहाँ क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत है यही समस्या है, यहाँ देखो पूरा पानी भरा रहता है और ज़्यादा पानी गिरने से पूरा घर के अंदर घुस जा रहा है, ये नाली साफ नहीं है, यही है यहाँ का परेशानी। इससे पहले आप जब ये समस्या आई थी? पहले कुछ नहीं था पर ठीक था, अब ये 4-5-6 साल से ही ऐसी हो रहा है। मेन क्या है वहाँ खेत वाले लोग नाली को बांध कर रख देते हैं तो उसको खोलते नहीं है, तो पानी पूरा आके यहाँ कचरा जाम हो जाता है, तो निकलने में दिक्कत हो रहा है।
पार्षद से बात की? पार्षद से बात किया, उनका लेबर वेस्ट का कभी कभी साफ करा देते हैं, फिर ये समस्या क्या नाली मैन है वो ठीक नहीं हो रहा है, यही है। ये जल भरा होती है तो हमेशा जल हमेशा बरसात का ना इसी से रहता है, अभी देखो यहाँ तक पूरा पानी आया था, अभी उतर रहा धीरे धीरे धीरे। जैसे घर में पानी घुस जाते हैं तो आप लोग कहाँ रहते हैं? घर में घुसता तो इनका घर में थोड़ा ऊंचा, उनका घर में भी पूरा पानी घुस जाता है, एक बार दो तीन चार बार यहाँ पर सबका घर कई गिर चुके हैं, फिर नगर निगम की तरफ से कुछ पैसा उसे देते हैं 2-3 हज़ार रुपया, तो उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, बाकी हम लोग का जेब से डाल करके फिर बना देते हैं, वैसे ही रहते हैं। और क्या क्या समस्या? समस्या तो बहुत है, रोड का प्रॉब्लम है, नाली का प्रॉब्लम है, बस रोड के लिए बात की हो बनाने के लिए? वो ऐसे तो बोले हैं बना दूंगा करके तो बोले हैं, अभी देखो बनने के बाद पता चलेगा बन रहा है नहीं बन रहा। कब बोले थे आप बना दो कर? ये हमारे विधायक आए थे उस समय की बात है ये, लेकिन अभी तक नहीं बना। अभी तक नहीं, अभी जब बनाएंगे बोला वो पीछे तरफ से यहाँ से आना गाड़ी नहीं आ पाता, तो पीछे मैदान में भी पूरा पानी भरा रहता है, वो सूखने के बाद फिर गाड़ी यहाँ आएगा तब वो बनाएंगे क्या तो बोले, अब देखो बनने के बाद और कुछ नहीं। अब पानी वानी के व्यवस्था, पानी भी के जरूरत पड़ी हमला नहर है नल के एक ठोक, हाँ पानी नहीं मिला ठीक से, हाँ नहीं मिल रहा है ना, अभी बंद हो जाते नल है। और जैसे पानी वानी गिरता है तो जल भराव का समस्या होता है कि नहीं? जल भर जाते ना यहाँ का, जब जल भर जाता है तो क्या करते हैं आप लोग, कहाँ जाते हैं? क्या करते हैं, भीतर में रहते हैं जी, खटिया ऊपर चढ़ के, हाँ खटिया ऊपर रहते हैं चढ़ के, क्या करेंगे। किसी को बताया हो आपने समस्या? अब तो आते हैं पार्षद है, पार्षद से बताया? हाँ। क्या बोले पार्षद? क्या बोली पार्षद है, कर बनाऊंगा बनाऊंगा रोड को उठाऊंगा भर बोलता है, बस काम नहीं करते, काम नहीं करते है। कब से आप यहाँ रह रहे हो दादा? मतलब 25 साल हो गया है। 25 साल से ऐसी समस्या चल रहा है? हाँ ऐसे में चल रहा है। तो 25 साल में आप जब भी आप बात की हो पार्षद से तो कोई पार्षद आपका समस्या का समाधान नहीं? बनाया है देव जग्गू सिंह बनाया था दे खंभा बिजली दे रही से, हाँ और बिजली मिलता है ठीक? पूरा मिल रहा है बिजली। बहुत समस्या है यहाँ पे, कोई देखने वाला नहीं है, अपना पार्षद तो कोई मतलब का नहीं है। क्या क्या समस्या है बताओ ना, खुल के बताओ, एकदम डरो मत। यहाँ लाइट गोल हो जाते तो फोन लगाते नहीं आते हैं, रात बिकाल सांप बिच्छू बच्चे लोग का डर है। लाइट वाइट नहीं रहती है? वो जबरदस्ती कल पकड़ के लेके आया तो पूरा लाइट जला है, नहीं तो पूरा अंधेरा था एकदम बस्ती। ठीक। पानी वानी का समस्या? और पानी का समस्या अभी ये पानी गिरने से भर जाता है पानी भाई, अब पानी का समस्या नहीं है, पानी बकायदे नल वल चल रहे हैं खाने पीने का। और जैसे कि आप लाइट का समस्या बताया तो पार्षद से बात किए हुए इस संबंध में? पार्षद से बात भी करते हैं तो आएंगे तब ना, जो भेजने वाले भेजेंगे तब तो आएंगे, बात करते हो तो नहीं आते? नहीं आते हैं। तो फिर कैसे करते हो लाइट का समस्या होता? वहीं जाके जब उन लोग आते हैं ना तो पकड़ के लाना पड़ते हैं यहाँ पे, पकड़ के ला के बनवाते हो? हाँ। और पैसा लेते हैं? पैसा हम लोग उन लोग को पैसा नहीं देते हैं, वो चाय पाने के लिए उन लोग को दे देते हैं। जब उन रात को आते हैं ना तो चाय पानी के लिए देते हैं भाई, उनको पैसा हम लोग नहीं देते हैं, जब उनको तो सरकार दे रहा है पैसा तो हम क्यों देंगे पैसा, अपना खुशी से चाय पानी के लिए 10-20-40 रुपया दे देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और क्या क्या समस्या होती है जब बारिश होती है तो? बारिश होती है तो पूरा भर जाता है पानी, बस वही तकलीफ है बस। कैसे करते हो फिर पानी भर जाता है तो? कहाँ जाएंगे भाई, घर ही में रहते हैं, पलंग का ऊपर बैठे रहते हैं। हे बेटा, यहाँ मेरे को लैट्रिन जाने के लिए बहुत तकलीफ बेटा, ये मोहल्ला में पानी भर जाता है, ना चल पाती हूँ, ना बोल पाती हूँ, ना खड़ा हो पाती हूँ, ना कोई मेरे को सहारा देने वाला नहीं है, ना हाथ पकड़ के लेने वाला नहीं है। उतना समय आप लोग जा रहे थे तो मैं चिल्ला रही थी, मेरा हाथ पकड़ो मेरे को पार कर दो बोल के, पानी पेशाब के लिए भी बहुत तकलीफ है, यहाँ कोई मेरे को कोई सहारा करके एक बाथरूम की लैट्रिन खोली थोड़ा बना देते तो क्या हो जाता, बस बेटा उतना मेरा तकलीफ है पानी में, उसने से बार कुछ नहीं है। शौचालय नहीं है? शौचालय बिल्कुल नहीं है बेटा, शौचालय मोहल्ला में किसी का पास नहीं, जिसका पास पैसा है बेटा बाल बच्चा है वो बना सकता है, मेरा पास तो बाल बच्चा नहीं है ना कोई नहीं है, तो मैं कहाँ से बना सकूँगी, ईटा कहाँ लाऊंगी, पत्थरा कहाँ लाऊंगी, कि सीमेंट कहाँ लाऊंगी, कि रेती कहाँ लाऊंगी, मेरा कोई नहीं है बेटा आगे पीछे, ना चल सकती ना बोल सकती, यहाँ शौचालय एक ठो मेरे को बना देने से बहुत अच्छा होता, धन्यवाद होता था बस। और रहने के लिए कहाँ रहते? रहने के लिए यदि यहाँ रहती हूँ तो क्या है, पानी यहाँ भी तो घुसता है, पानी फेंकते रहो नहीं तो वो मट्टी है, वो मट्टी को यहाँ छेको और ये करो, अब मट्टी को छेक के मतलब अपना कहीं पर खड़ा हो के
दिखते रहो, माटी पानी भगे तो अपना आराम करो, ऐसे होता है। हमारा कभी समय से अच्छा नहीं हो रहा है बेटा, जब से पानी घुस रहा है ना तब से ये नाली बना है, तब से कभी सुख शांति नहीं है, ना लेट्रिन के लिए, ना बाथरूम के लिए, ना कहीं पानी पीने के लिए, ना खाँजी पीने के लिए, कोई चीज़ के लिए नहीं, कोई नहीं है बेटा। मेरे को चार पैसा कोई देने वाला नहीं है, ना मेरे को कोई सहारा करने वाला नहीं है, ना कोई देखने वाला नहीं है, ना उठाने वाला नहीं है, ना बैठाने वाला नहीं है, बस बेटा उतनी है, बस धन्यवाद। और पेंशन वेंशन मिलता है कि नहीं? पेंशन मिलता है बेटा, ₹350 मिलता है, ₹350 मिलता है, तो उसमें क्या गुजारा चलेगा? मैं पेट के खाऊं कि मेरा अंग में गोली दबी खाऊं कि मैं तेल लगाऊं कि साबुन लगाऊं कि निरमा घेर दूं, पूरता है क्या? उतना में तो नहीं पूरता है ना, उतना में तो मेरा कहाँ से पूरेगा? कोई देने एक रुपया भी देने वाला नहीं है, अड़ोस पड़ोस में पूछ लो, मेरे को कोई देने वाला नहीं है बिल्कुल, आगे पीछे मेरा कोई नहीं है, बस। पार्षद से आप अपना समस्या बताएं पार्षद को? पार्षद को बता चुके हैं बेटा। क्या बोले पार्षद? देखेंगे, धीरे धीरे करेंगे, आराम के साथ करेंगे, जिस दिन आर्डर आएगा तो करेंगे, तो कब मैं मर जाऊँगे तो करेगा तो क्या फ़ायदा? मेरा जी रहता रहता तो मैं तड़पड़ रहूँ, तो मेरा जान रहते रहते मैं बैठती उड़ती पानी पेशाब में जाती लेट्रिन बाथरूम जाती तो अच्छा होता। पार्षद रहो रहो, रुको रुको, अभी आर्डर आएगा तो बना देंगे, उसका आर्डर नहीं आया है, वैसे बोल बोल कर तो देख रहे हैं। कब बोले थे, कितना दिन हो गया? अभी हो गया बेटा 1 साल हो गया, बोलते 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 थक भी गई, बोलना भी बंद कर दी। 1 साल में अभी तक नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं, बाकी दिन नहीं बोलती थी, अभी 1 साल से बोल रही हो तो कभी हाओ अगले साल में बोला हाओ बना दूंगा ना माँ, और गया था तो हाओ बना दूंगा ना माँ, बस इतना है ना, और कुछ नहीं। राशन वासन देते हैं? हाँ, राशन मिलता है बेटा, 10 किलो राशन मिलता है। हाँ, 10 किलो में गुजारा चल जाता है माँ? क्या करूँगी बा, और उसमें से मैं जोर जोबरी तो नहीं कर सकती कि मेरे को इतना दो बर के कितना कितना इतना चावल भी बनाने से भी खा के अपना जान बचाने का है, बस। क्या क्या समस्या? वही मतलब इधर पानी उनी भरता है और पूरा अंदर तक घुस जाता है, छोटा छोटा बाल बच्चा है, रस सांप लोगन भी कीड़ा मकोड़ा जोंक ओंक पूरा घर के अंदर पूरा घुस जाता है। तो आगे साल तो एक लड़की को सांप काट दिया था, लेकिन क्या हम लोगन तो पानी भरा है बोल के नहीं निकलेंगे, लेकिन बच्चा लोगन मानते नहीं हैं, नाती लोगन बच्चा लोगन सब निकल जाते हैं, घर के अंदर पानी भरता घर के अंदर सांप घुस जाता है, घर के अंदर में वो बच्चा लोगन ये करता है। तो थोड़ा बोल रहे थे कि बनाएंगे रोड बोल के, विधायक बोल रहा था रोड वोड इधर कर देंगे ऐसा करके, लेकिन पार्षद बोल रहा था कि ये रेलवे का जमीन है, वहाँ नाला बना दो, एक ठो बोले वो लाइन लगा है ना वही बाजू से, अभी एक दीवार उठ गया, सिर्फ एक ठो दीवार लगेगा, चौड़ा थोड़ा नाला बन जाएगा, क्या है नाला में पानी साए साए जाएगा, वो नाला को बना दो ऐसी करके, तो ऐसी बोल रहे थे वो पार्षद। क्या बोले पार्षद? पार्षद बोल रहे थे कि ये तो रेलवे की जमीन है, क्या नाला बनाएंगे क्या रोड बनाएंगे, माजी पारम कुछ नहीं करेंगे बोल के ऐसी बोल रहे थे। और विधायक, लेकिन विधायक कुछ नहीं बोला है, विधायक तो करूँगा बोलता और करता भी है, बात नहीं है। और क्या बोलते हैं, लड़का बहू का राशन कार्ड नहीं है, तो 15 साल हो जा रहा है, 10 साल 15 साल हो गया, खाली वो 10 रुपये वाला कार्ड बनता है, तो ये दफे कार्ड बना है बोल के बोले पार्षद के यहाँ, तो छोड़ दिए। घर वर आपका टूटा है अभी देखे हैं हम लोग, तो बताए हो पार्षद को? नहीं बोले, क्यों क्या बोलेंगे जब आप सुनते नहीं, बोल के नहीं बोले। हाँ, आगे साल ना ये गिरा था ना, ये वाला पूरा ऐसा गिरा था ना, तो आगे साल मिला था 2000-3000 ऐसी दिया था, ये वाला गिरा था वहाँ से। तो बताओ भैया क्या क्या समस्या है? नाली साफ नहीं होता, पानी प्रॉपर भर जाता है घर में, और घर के अंदर पानी भर जाता है, जोंक सांप बहुत सारे चीज़ें से जो आ जाते हैं अंदर में, कीड़ा मकोड़ा सांप ही परसों घुसा हुआ था, पानी भरा था तो, और नाली साफ नहीं होता, ये देखिए आप देख रहे हैं लाइव वीडियो, और लाइट खंभे की लाइट है जिसको कई दिन से बोला, 6 महीने हो गए ये फ्यूजर लाइट अभी तक चालू नहीं किए, तो सर ये क्या है? बात की हो पार्षद से कि लाइट वेट की समस्या? नगर निगम जो उनका मैं 2 में जाके भी बोला हूँ, और लिखित में जो यहाँ पार्षद की अटेंशन बैठती है असिस्टेंट उसको भी बोला गया है,
हर दिन गुरुवार को आएंगे बोलते हैं पर आते नहीं है। और क्या बोले पार्षद, पार्षद से आप सीधा बात नहीं करते? पार्षद से सीधा बात नहीं हुआ अभी तक, होता ही नहीं बात, नहीं हुआ मेरा। पार्षद सीधा बात करने से मना कर देते हैं क्या? नहीं, पार्षद मना नहीं किया अभी तक, मैं बात ही नहीं किया हूँ अभी तक उनके असिस्टेंट से, पार्षद से मुलाकात नहीं हुआ मेरा अभी तक। कितने बार आए हैं पार्षद यहाँ घूमने के लिए? अंदाजा नहीं भाई, जॉब करता हूँ उसके। आए हैं कि नहीं? आए हैं, दो चार बार आए। कुछ आश्वासन दिए हैं कि समस्या बहुत ज़्यादा है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है और यहाँ घर भी टूट रहा है, तो उस पर कुछ बोले पार्षद की कुछ करूँगा, कुछ सहायता राशि दूंगा करके? घर टूटने पर तो ये बोला गया था कि फ्लैट मिलेगा बोल के कचना में 3.5 लाख रुपये मांग रहे थे। यदि 3.5 लाख रुपये इंसान के पास रहता तो ज़मीन लेके कहीं अच्छा और घर बना लेता, तो ये नहीं था। फिर उसके बाद बोले किस्त में बनाने के लिए, तो किस्त में नहीं हुआ कुछ भी। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं रोड के कंडीशन देख रहे हैं, कितने साल हो गया रानी लक्ष्मीबाई के समय से बना हुआ है, जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब का रोड बना हुआ है, अभी तक बना ही नहीं है रोड। देखो पानी गिरने से पानी भर जाता है, पार्षद कोई भी नेता लोग ध्यान नहीं देते हैं, वोटिंग मांगने आते हैं तो वोटिंग मांगने के समय आते हैं हाथ पैर जोड़ते हैं, और बाकी समय देखने नहीं आते हैं, ना सुनने नहीं आते हैं, ना पूछने नहीं आते हैं। रोड भी कितना साल हो गया है, ये रानी लक्ष्मीबाई बनाए थे, अभी तक कोई नहीं सुने हैं, कोई नहीं बोले हैं। ये नल दिया था क्या जग्गू ठाकुर बनाया था ये नल, वो इतना जानती हूँ मैं, और कुछ नहीं जानती हूँ। कोई भी ध्यान नहीं देते हैं हमारी मौली को। पार्षद से बात किए हो? पार्षद से बात नहीं किया, पार्षद तो आता नहीं है घूमने, कभी काल 4 साल के बाद एक बार घूमने आता है। बताइए भैया क्या क्या समस्या? देखो भाई, हम लोग नाली में कोई नहीं कहना हूँ साफ नहीं हो रहा हो, कोई पार्षद है, हम पार्षद के जनता नहीं है, हम पार्षद के निकलो मुँह सकल भी नहीं दिखता हूँ, सही मैं बता रहा हूँ। अभी नाली का हम लोग साफ कर रहा हूँ, पार्षद होगा कि नहीं होगा हमको मालूम नहीं, कौन पार्षद है, कौन वार्ड है, 6 नंबर वार्ड है, ठीक है, मतलब कि ये नाली के कौन सा, हम लोग जानवर बन रहा हूँ है, नाली साफ कर रहा हूँ, नाली के देखो कोई पानी ये दे, पानी ये दे, दे। माझी परा थोड़ा सा पानी गिरे है ना, माझी परा रोड नहीं है, किचू नहीं है, आपको क्या बताऊंगा। यहाँ पार्षद आते हैं कि नहीं देखने के लिए? कोई नहीं आता है अभी तक, एक बार नहीं कोई नहीं आता है। समस्या को बताते हैं तो पार्षद समाधान करते हैं कि नहीं? हाँ नहीं, कुछ नहीं करते नहीं। और क्या क्या समस्या है? नहीं वही देखो, जो मिलने भगवान जो देना है वो देगा, हमको रोड बनाना चाहिए, हमको निकलो ये सब नाली साफ करना चाहिए, नाली बनाना चाहिए बस। भैया और क्या क्या समस्या है यहाँ? समस्या बोले भैया देखो पानी भर जाता है और ये नाली उली भर जाता है, और जो अपना है बोर वोर वो नाली उली फट गया है, और पार्षद जी भी आते हैं कभी कभार, ऐसा बात नहीं है कि रोज़ नहीं आते हैं, रोज़ तो कोई भी नहीं आएगा, अब महीना 15 दिन में एक बार आते हैं। पार्षद के पास आप अपना समस्या रखते हैं तो पार्षद क्या क्या तो बोलते हैं? अभी तक मैं तो नहीं रखा हूँ, कोई बस्ती वाले कोई भी रखा होगा लेकिन वो बता नहीं सकता, किस समय आके बताया होगा, अब क्या बोल सकता हूँ बताओ। पानी वाली की समस्या है, पीने वीने की? हाँ समस्या है, पानी उन्हें पीने का समस्या है, लेकिन नल वल फट गया है पूरा सामने से। और बिजली 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 पूरा सही आ रहा है। देखो, ये भी और है, सरकार के जो योजना है उसका लाभ ले रहे हो कि नहीं? नहीं नहीं, अब मैं लाभ तो ले रहे हैं भाई, लेने वाले ले रहे हैं, मैं कैसे बताऊंगा कि नहीं ले रहे हो, ले रहे हैं सब कोई ले रहे हैं। आप अपना बताओ। मेरा तो ले रहा हूँ भाई, क्या झूठ बोलना है, अब जो सरकार जो दे रहा है वही ले रहा हूँ, और जो नहीं दे रहा है नहीं ले रहा हूँ, सही बात को क्या झूठ बोलना। क्या योजना का लाभ? खुद बनाऊंगा, मेरे को कोई चीज का योजना नहीं मिला है लाभ, लेकिन सबको मिल रहा है तो मेरे को ही मिल रहा है, सोच लो मेरा समझ तो यही रहता है मेरा सिद्धांत। राशन वासन मिल? हाँ राशन वासन सब मिलता है, अभी तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, सही बात क्या, मैं 10 रुपये वाला बना है, अभी फार्म भरा हूँ, अभी तक 1 रुपये वाला कार्ड नहीं आया है, और बस बस्ती में यही बस मैं आपको बोलना चाहता हूँ। सर आप बंदी पर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, अब मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, बंद हो जाएगा तो अच्छी बात है, है कि नहीं, अपना 2 पैसा बच जाएगा, पीने खाने वाले को भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएंगे, अच्छी बात है शराब बंद हो जाने से, और बढ़िया बात है। अभी सरकार वादा किया था लेकिन सरकार शराब बंद नहीं हुआ है, तो इस बार क्या सरकार को बदलना है कि सरकार वही रखना? सरकार बदलना है कि नहीं बदलना है मैं नहीं बता सकता, पब्लिक बताएंगे, ठीक है, लेकिन शराब भट्टी बंद होना चाहिए। आप क्या चाहते हो, किसका सरकार बनाना है अभी? अरे भाई जो सुनो ना, मैं अकेला वोट डालने से नहीं होगा, पूरा आम जनता जैसे वोट डालेंगे वो ही सरकार बनेगा, कि मैं अकेला वोट डाल दूंगा और सरकार बन जाएगा ये तो मैं नहीं बोल सकता। किसको सरकार बनाना है अभी? है? किसको सरकार बनाना है?
भूपेश को कि रमन सर? नहीं नहीं नहीं, जनता तो फूल छाप तो जिंदगी है अमर लगी, फूले फूल फूल को जिताना है, हाँ कांग्रेस को भगाना है, हाँ वो तो भूगेल ना आलू छिल के जाएगा, मैं सीधा बोल आलू छिल के जाएगा भूगेल है ना, अरे अमर कमल फूल राजा बन जाएगा, मती सरकार हमको जो दे रहा है यहाँ, चावल दे रहा है, खाना दे रहा है, पीना है, खाना है, सब दे रहा है, भाटी बंद हो जाएगा भी हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब कि नहीं सरकार हमको देना चाहिए, बस हमको पट्टा मिलना चाहिए यहाँ से। हमारे साथ यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद हैं, हम सीधा उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं, क्योंकि यहाँ समस्या का अपार है लेकिन समस्या का समाधान जैसे होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, तो सीधा हम ब्लॉक अध्यक्ष भैया जी से बात करते हैं, आखिर क्या कारण है समस्या का समाधान नहीं होने का। भैया आपका नाम? संजय सोनी, ब्लॉक अध्यक्ष शिवरंगना अवंती भाई, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। देखिए आप जो सवाल पूछ रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी सवाल जो है ये जनता जनार्दन की सवाल है और समस्या की सवाल है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आज रेल परिक्षेत्र होने के नाते जो त्रिमूर्ति नगर यहाँ आज लगभग 50 साल से काबिज है रेल परिक्षेत्र में, और आपको भी मालूम होता है कि जैसे रेल परिक्षेत्र का मामला है, रेल क्षेत्रों में बहुत जो विकास कार्य वो बाधित रहते हैं, क्योंकि रेल प्रशासन एक खुद एक सरकार होती है और उनसे अनुमति के बगैर हम यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, परंतु हम अपने विधायक के माध्यम से, हम अपने पार्षद के माध्यम से जनता की जो समस्या है उसे मूलभूत समस्या को हम निरंतर मतलब सॉल्व करने का, निरंतर मतलब एक स्थायी व्यवस्था बनाने का हम प्रयास करते हैं, और कहीं ना कहीं हो सकती है कि व्यवस्था साफ़ सफाई की व्यवस्था, पानी की समस्या कहीं हो सकती है, लेकिन हमारी जानकारी में आज जो है हमारे वार्ड में पानी की समस्या लगभग ख़त्म हो चुकी है। कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था की बात हो तो लोगों को आके बोलना चाहिए कि क्योंकि सफाई व्यवस्था जो होता है वो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। सर यहाँ पानी की व्यवस्था उतना मतलब ज़्यादा गंभीर नहीं है, पानी प्रॉपर सबको मिल रही है, लेकिन समस्या ये है कि जल भराव हो रहा है, आखिर क्या कारण है जल भराव का? क्योंकि देखिए नाली जब तक आप साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो जल भरा होगा, लेकिन प्रॉपर जितना नाली साफ़ सफाई होना चाहिए उतना नाली साफ़ सफाई नहीं हो रहा है, आखिर क्या कारण है? देखिए मैंने आपको बताया है कि निरंतर 15 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो यहाँ पे जो रेलवे परिक्षेत्र त्रिमूर्ति नगर में, उन्होंने 15 साल अपने शासन में से प्रशासन में कोई भी काम नहीं किए थे। आपको पता होगा विगत 2 साल हम लोगों ने कोरोना काल में किस प्रकार उस महामारी बीमारी में हम यहाँ पे हमारी जो पूरे विश्व में जो एक बीमारी का प्रकोप फैला था उससे लोग प्रभावित थे, बहुत सारे विकास कार्य थे, हमने प्रस्ताव बना के दिया है और उस प्रस्ताव के माध्यम से नगर निगम प्रशासन को गया हुआ है प्रस्ताव, क्योंकि चूँकि मैंने आपको बताया है कि रेल परिक्षेत्र में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं विकास कार्य को करवाने के लिए रेल प्रशासन से हमको अनुमति लेना पड़ता है, फिर भी हम लोगों ने कई सारे यहाँ पे काम कर चुके हैं जो काम लोगों के सामने है, आज स्मार्ट टॉयलेट की बात हो, आज शौचालय की बात हो, आज भवन की बात हो, सामाजिक भवन की बात हो, पेवर निर्माण करने की बात हो, स्कूल में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल है वो आत्मानंद हो चुका है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस छोटे से बस्ती को आत्मानंद स्कूल की सौगात दिया है, तो ऐसा यहाँ पे तो कुछ है नहीं कि व्यवस्था बहुत ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकती है ये मैं मानता हूँ, जिसको हम आगे उसको अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। सर आप अपना आत्मानंद स्कूल की बात की, हम लोग आम लोगों से जनता से बात किए कि क्या आपके बच्चे आत्मानंद में पढ़ाई करते, तो सीधा साफ साफ बोले कि हमारे बच्चे पढ़ाई आत्मानंद में नहीं करते, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पढ़ाई करने जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जल भराव ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं जब स्कूल जाते हैं तो कीड़ा वीड़ा काट देते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची को सांप ने काट लिया, तो उस पर आप कुछ क्यों नहीं करते, क्या कारण है आखिर नहीं करने का? देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो सरकार की जनकल्याणकारी योजना है, जो प्रमुख योजना है आत्मानंद स्कूल, इसे हर गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी ने हर गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ो बढ़ो के नारे से उनको मतलब शिक्षा का एक साधन बना के दिया है, और मैं समझता हूँ कि किसी भी ऐसे पालक अभिभावक को पढ़ाई के मामले में स्वयं जाकर स्कूल में अपनी मतलब एक व्यवस्था को जानने का उनको अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, उसे जानना चाहिए। और रही बात लोगों को पढ़ने की जो शिकायत है, मैं बताना चाहूँगा कि एक इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी गुणवत्ता इस शिक्षा के माध्यम से लोगों को मिल रहा है, लोग इसका लाभ लेना उनको स्वयं जाना चाहिए,
न कि मतलब उसके ऊपर बयानबाजी करना चाहिए। बच्चों को निजी उनकी भविष्य है और आज हर गरीब बच्चा पढ़ने के लिए उत्सुक है। तो मैं चाहूँगा आत्मानंद स्कूल बच्चे में आए बच्चे और जो उसकी व्यवस्था को समझे, उसके अनुरूप को समझे और बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए खुद अभिभावक को आगे आना पड़ेगा। और साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है, नाली की जो व्यवस्था है, कीड़े मकोड़े की जो बात है, बच्ची को सांप ने काट दिया था, हो सकता है कि कहीं ना कहीं जंगल झाड़ियों में आज भी लोग वहाँ पर जो निचली स्तर में जो बस्तियाँ हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं झाड़ियाँ हैं। तो मैं चाहूँगा सामने एक ओपन मैदान है मंडी की, जो ओपन ज़मीन है, उस मंडी से भर भराव करके जो जल भराव होता है वहाँ से हो सके कोई कीड़े मकोड़े आते होंगे, लेकिन हमने प्रस्ताव बना के दिया है, उस प्रस्ताव के अनुरूप काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बाजीपारा वार्ड क्रमांक 6 में पानी की समस्या को लेकर लोग बहुत त्रस्त हैं और पार्षद अपने में मस्त हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या समस्या का समाधान होती है या नहीं। मेरे साथ कैमरामैन दीपक साहू के साथ मैं अभिषेक वर्मा।